मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा नीमच के नेतृत्व में विशाल रैली निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लगभग विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कर्मचारी गण व अधिकारी गण ने सहभागी बनकर अपनी उपस्थिति दी। इसी पहल में आजाद अध्यापक संघ मध्य प्रदेश से प्रांतीय पदाधिकारी विनोद राठौर, समृद्ध गिर गोस्वामी, लक्ष्मी नारायण मेघवाल, श्री राम गोपाल बिलोदिया ब्लॉक अध्यक्ष मनासा सहित अतिरिक्त संख्या में मनासा से कर्मचारी साथी जिला कलेक्टर ऑफिस नीमच पहुंचकर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। मनासा ब्लॉक अध्यक्ष श्री बिलोदिया जी ने बताया कि जो कर्मचारी साथी आज उपस्थित नहीं हो पाए वे आगामी 13 तारीख को भोपाल रैली में अनिवार्य रूप से शामिल हो और अपने परिवार के सम्मान में, अपने संघ के सम्मान में और अपने पद के सम्मान में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा नीमच के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में साथ आए और एक साथ मिलकर अपनी जायज मांगों की लड़ाई में शामिल हो। विनोद राठौर साहब, आज कलेक्ट्रेट में आप क्या लेने के लिए आए? आज ये क्या माहौल बन रहा है? आज जो संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में जिला नीमच कलेक्टर ऑफिस जो आयोजन रहा, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर के विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, संघर्ष किया जा रहा है और पार्टी के पड़ोसी राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की पूरी योजना शासन ने की थी, उसी तारतम्य को लेकर के मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल जल्द की जाए, इसी को लेकर के आज जिला नीमच मुख्यालय पर सभी संघों के समस्त पदाधिकारी सहित पूरे नीमच जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के ज्ञापन देने हेतु आज जिला कलेक्टर उपस्थित हुए थे और पूरे 13 मार्च को ये पूरा का पूरा हल्ला लेकर के हम मध्य प्रदेश भोपाल मंत्रालय तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश शासन को हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं और ये आह्वान भी करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करे और मध्य प्रदेश के पीड़ित और परेशान कर्मचारियों को निराशा न हो, प्रसन्नता हो और जल्द से जल्द खुशियों का अवसर दे। हम मध्य प्रदेश शासन से आज इस ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या रहेगा? यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आज नीमच जिले से शुभारंभ हुआ है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम पुरजोर तरीके से संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बलबूते इस सरकार से हमारी पुरानी पेंशन मांगेंगे, छीनेंगे और आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन जैसी स्थितियों पर प्रदेश का प्रत्येक विभाग का समस्त कर्मचारी बैठेगा। आपका शुभ नाम और आपका विनोद राठौर, आजाद अध्यापक संघ से क्रांति संध्या मंत्री हूँ, आज फिलहाल संयुक्त मोर्चे के तहत सभी के साथ संयुक्त रूप से मजबूती से खड़ा हूँ।